अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है शॉर्ट नोट्स इन इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स का, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है। इससे पहले जो हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उनमें लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, और साथ साथ हमने मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन अलोंग डिमांड कर्व जो है देखा था। हमने देखा कि डिमांड कर्व कैसे डिराइव किया जाता है, किन किन जो है पॉइंट्स का कम्बिनेशन होता है, और साथ साथ हमने देखा कि किन फैक्टर्स की वजह से शिफ्ट आता है डिमांड कर्व के अंदर, और किन फैक्टर्स की वजह से डिमांड जो कर्व है उसी के अंदर मूवमेंट आ रही होती है, यानी जो सेम डिमांड कर्व है उसी के अंदर मूवमेंट हमें फील हो रही होती है। ठीक है, आज का जो लेक्चर है उसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक इकोनॉमिक्स का, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे एमसीक्यूज में इसके इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, और बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर एक कम्प्लीट नोट भी जो है वो लिखने को आता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब भी हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो इलास्टिसिटी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें कि इलास्टिसिटी शो किसको करता है, तो बेसिकली हम देख ही रहे होते हैं कि एक चीज के चेंज होने से दूसरी चीज कितना रिस्पॉन्स शो कर रही है। ठीक है, अगर प्राइसेस चेंज हो रही हैं तो क्वांटिटी की डिमांड के अंदर कितनी रिस्पॉन्सिवनेस आ रही है, ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, क्या अगर एक यूनिट अगर प्राइसेस चेंज हुई हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड भी एक यूनिट ही हुई है या फिर 5 यूनिट्स हो गई है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस है बेसिकली कि हम हमारी जो किसी एक चीज के अंदर चेंज आने पे, 1 यूनिट चेंज आने पे किसी दूसरी जो कमोडिटी है उसके अंदर कितना चेंज आ रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस भी कहते हैं। अब लेवल ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब अगर डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी हम देख रहे हैं तो हम कहेंगे, क्योंकि डिमांड जो है वो कॉम्बिनेशन होता है प्राइसेस का और कॉमोडिटी डिमांडेड का या क्वांटिटी डिमांडेड का। ठीक है, सो अब हम इसमें अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किस चीज की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, चेंज इन प्राइस की वजह से। ठीक है, या फिर इनकम की वजह से भी आ सकता है, चेंज इन प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट की वजह से भी आ सकता है, या फिर और अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, सो जब भी हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो डिमांड के साथ जिन जिन चीजों की का रिस्पांस होता है, यानी डिमांड के अंदर जिस जिस फैक्टर की वजह से चेंज आ रहा होता है, उन सब का रिस्पॉन्सिवनेस हम उसमें जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। ठीक है, 3 टाइप्स हैं इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की चेक करने की। एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर बात करें तो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में उसी गुड की जो हम गुड कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो फ्रूट्स की प्राइसेस जितनी चेंज हो रही हैं उससे फ्रूट की कंजप्शन में जो चेंज आ रहा होता है उसको हम कहते हैं कि ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। यानी अपनी ही प्राइसेस की चेंज होने की वजह से उसी कॉमोडिटी की डिमांड के अंदर जो चेंज आ रहा होता है उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर किसी पर्सन की इनकम चेंज हो जाती है, ठीक है, इनकम के चेंज होने की वजह से जो यानी हमारी परचेजिंग पावर चेंज हो गई, परचेजिंग पावर के चेंज होने से जो हमारी क्वांटिटी डिमांड के ऊपर इफेक्ट आएगा, चेंज आएगा, उसको हम मेजर करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, यानी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन इनकम लेवल ऑफ द कस्टमर। ठीक है, सो इसको हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। थर्ड जो इसका पार्ट है वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है किसी भी ऑल्टरनेट सब्स्टिट्यूट या फिर उसका जो कॉम्प्लीमेंट गुड का होता है उसकी प्राइसेस में चेंज आने की वजह से पर्टिकुलर गुड की प्राइसेस में जो क्वांटिटीज हैं उसमें चेंज आया हो तो उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जांपल टी और कॉफी बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं इकोनॉमिक्स की। ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स हैं आपस में। अगर कॉफी की प्राइसेस इंक्रीज होती है, ठीक है, तो क्या होगा, टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो इस हमने रिलेशनशिप में देखा कि एक सब्स्टिट्यूट के प्राइस के इंक्रीज के होने की वजह से जो दूसरी चीज है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। ठीक है, सो ये रिस्पॉन्सिवनेस शो करने के एक चीज की कितनी प्राइस इंक्रीज हो तो दूसरे की कितनी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होगी डिमांड की, इसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है,
अब मेथड्स देखते हैं कि मेथड्स किस तरह से इलास्टिसिटी को मैयर किया जाता है। तीन तरीके के मेथड हैं जिनसे इलास्टिसिटीज को हम मैयर करते हैं। पहला मेथड जो है वो परसेंटेज मेथड है, ठीक है, इसमें हम परसेंटेजेस के थ्रू इलास्टिसिटीज को मैयर करते हैं। दूसरा मेथड जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड है, और तीसरा मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड है। हर तीनों जो है इनकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है और अपने अपने जो है इनके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। जब हम इन मेथड्स को डिटेल में देखते हैं आगे, तो हमें हम इनके साथ साथ जो इनकी इम्पोर्टेंस है और इनके जो ड्रॉबैक्स हैं उनको भी हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। सो अभी तक हमने जो आज का लेक्चर था उसमें हमने देखा कि इलास्टिसिटीज होती क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की टाइप्स क्या हैं, ठीक है। हमने देखा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और साथ साथ हमने क्या देखा कि हम इन इलास्टिसिटीज को हम किस तरीके से मैयर करेंगे। तीन तरीके के मेथड्स हैं, जो कि एक परसेंटेज मेथड है, एक एक्सपेंडिचर मेथड है और एक ग्राफिकल मेथड। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस तरह की और वीडियोस जो शॉर्ट नोट्स पे बेस करती हों चाहते हैं, या किसी भी ऐसे टॉपिक के ऊपर जो इकोनॉमिक्स से रेलिवेंट हो कोई वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हैप्पी लर्निंग।